तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? निष्वर्ता जो कि मुद्रा की विशेषता नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन मैग्रोव वन वनस्पति को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया है। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से उस छऊ नर्तक नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2000 में दिया गया से सम्मानित किया गया है। भुवन कुमार को सम्मानित किया गया। तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान का खालिस्तान भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता पर दर्ज की है, केरल और लक्षद्वीप। दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, गेटो सोरा ने एरेना जूनियर वाइज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, यह किस राज्य से है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है ना, APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र मुंबई हाई रेगुलेशन खालिस्तान खनन के लिए जाना जाता है। ये जाना जाता है खनिज तेल के लिए। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। वर्न अगेन ऑन द माउंटेन द स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो ये अरुणिमा सिन्हा का शीर्षक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कालिदास सम्मान खालिस्तान की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम है संजीवनी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, बाल विवाह निषेध अधिनियम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1929 में। खालिस्तान
की दो परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा रास मणिपुरी नृत्य। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को लक्षित करते हैं। चौथा ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है। गजल सम्राट के नाम से जगजीत सिंह को कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने 2019 में के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता। संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता था भूपेन हजारिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आईसीसी 2030 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग लेंगे। कितने देशों ने भाग लिया है। कुल 10 देशों ने भाग लिया है। फाइनल में जो फाइनल जो हुआ था आईसीसी 2023 का ओडीआई का, ये फाइनल मैच हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में। और 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। जब ध्वनि परावर्तित होती है। पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई वह व्यक्ति जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं को खालिस्तान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। चिल्का झील जो है ना, ये खारे पानी की झील है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गोवा करेगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदाय में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए खालिस्तान त्यौहार झारखंड के पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, अर्थव्यवस्था में व्यवसायिक बैंकों कॉमर्शियल बैंक्स की मुख्य भूमिका क्या है। आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। चित्तरंजन दास। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन के परिणाम के कारण होता है। चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को खालिस्तान का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, गौर मारिया राज की एक नृत्य शैली आनंद और आहन का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। छत्तीसगढ़। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा परमहंस योगानंद की है। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार खालिस्तान कहा जाता है? शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या 2022 तक है? पश्चिम बंगाल। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक उदाहरण है? गुप्त काल। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है? भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है? उत्तरी मैदान। पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर खालिस्तान किस जनजाति के द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है? मुंडा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय अवसंरचना के विकास पर व्यय की गई धनराशि। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का क्या नाम है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम है जीतू। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 95 वर्षीय भगवानी देवी और 106 वर्षीय रमाबाई को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से BBC विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जहां देवी ने फिनलैंड के टाम्परे खालिस्तान में 100 मीटर स्प्रिंग में स्वर्ण पदक जीता। 2022 विश्व मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप। पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध समुद्री भोजन मेवे और साबुन अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? फास्फोरस। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? मंत्रियों के बीच विवाद समिति। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के जीवन यापन योग्य वेतन सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित रखता है? अनुच्छेद 43। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शिक्षा भवन की स्थापना किसने की? शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है? M.M. किरावनी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। खालिस्तान को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 2 अक्टूबर 1869। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि TN राजरत्न पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? नाद स्वरम। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ की किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ ये LK आडवाणी की आत्मकथा है। इंडिया टॉप्ड द मेडल्स टेबल इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023
वेयर वॉज द कॉम्पिटिशन हेल्प जर्मनी के साथ में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा इस क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। एंथ्रासीन, तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।